बेस्ट फोन अंडर 20 के आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है सारे के सारे 5G वाले फोन है। मेरे पास यार 4G वाले फोन भी थे लेकिन मुझे ऐसा लगा अब तो टाइम आ चुका है 5G का, अब तो आपको केवल और केवल 5G वाले फोन के बारे में बताना चाहिए। सात के सातों फोन में 5000 mAh की बैटरी मिलती है। हाँ, जो चार्जर है वो अलग है, 5 फोन में 33 वॉट का, और जो 2 फोन बचे हैं यहाँ पर कितने वॉट का चार्जर मिलता है ये आपको वीडियो के अंदर पता ही चलेगा। अभी तो फरवरी खत्म होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है लेकिन इतने से टाइम में बहुत सारे फोन आने वाले हैं, और जो फोन आ चुके हैं ना उसके बारे में भी यार मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आज कर यार लाइक कम आ रहा है, सब्सक्राइब भी आप कम करते हैं, अच्छी बात नहीं है। फटाफट लाइक कर देना, बहुत सारा सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात करते हैं 7वें नंबर के फोन की। बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं जो भक्त हैं OnePlus के, यदि आप भी यार उनमें से एक हैं आप जा सकते हैं OnePlus Nord CE 2 Lite की तरफ। देखिए इस फोन में जो प्रोसेसर मिल रहा है स्नैपडील का 695, बहुत सारे फोनों में यही वाला प्रोसेसर अभी आपको सुनाई देगा क्योंकि अंडर 20 के लगता है हर एक ब्रांड ने इसका ऑर्डर दे रखा था स्नैपड्रैगन वालों को और फटाफट चिपका के देते जा रहे हैं। ये प्रोसेसर 5G वाला तो है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशन है, जैसे 4K वीडियो को सपोर्ट नहीं करता है और साथ में यूट्यूब में आप देखना चाहते हैं HDR वाली चीजें वो भी आप नहीं देख सकते। आगे की तरफ जो आपको डिस्प्ले मिल रहा है ये है 120Hz का फुल HD प्लस वाला। बैक में 64 MP का ट्रिपल कैमरा है लेकिन कोई भी अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है। और जो OnePlus का UI है ये भी आपको ठीक लगेगा। यदि आप भक्त नहीं है OnePlus के तो आप जा सकते हैं Realme के 9 Pro 5G की तरफ, वहां पर हर एक चीज बिल्कुल सेम है लेकिन जो अलग है वो है अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर, यहां से हटा लिया है वहां पर दे दिया है। अब बात करते हैं 6वें नंबर के फोन की, यहां पर है Realme का 10 Pro। देखिए इस फोन में जो डिस्प्ले है ये मुझे बड़ी कमाल की लगी है, 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस वाला जो डिस्प्ले है एक भी यार ऊपर नीचे आपको चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा। बॉक्सी वाला डिजाइन है, देखने में काफी सुंदर फोन है। बैक में 108 MP का आपको सेंसर मिल रहा है। हाँ, अल्ट्रा वाइड वाला आपको कोई भी मटेरियल देखने को नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से Realme का 10 Pro आप ले सकते हैं। अभी तो यार मार्केट में और भी बहुत सारे Realme के फोन आ चुके हैं जैसे 10 Pro Plus, लेकिन उस फोन का जो प्राइस है ये काफी ज्यादा है। 9 Pro Plus यदि आपको डिस्काउंट रेट में कभी यार अंडर 20K मिले इसको हटाइएगा, Realme के 9 Pro Plus में चले जाइएगा क्योंकि वहां पर जो सेंसर है बैक साइड वो है 50 MP का। सोनी का IMX766 MediaTek का Dimensity 920 प्रोसेसर, साथ में 90Hz का AMOLED डिस्प्ले। तो भाई एक फोन अभी आपको सस्ते रेट में मिल रहा है, दूसरे फोन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा सेल का। बात करते 5वें नंबर के फोन की, यहाँ पर है पोको का X4 Pro। अभी तो यार पोको का X5 Pro भी लॉन्च हो चुका है, वो फोन का जो प्राइस है वो थोड़ा सा यार ज्यादा है। यदि आप लेना चाहते हैं बजट का कोई भी इश्यू नहीं है, मेरे चैनल पे 3 कंपैरिजन वीडियो आ चुके हैं, चाहे वो Realme के 10 Pro Plus के साथ हो, चाहे तो Redmi के Note 12 Pro, और एक और कंपैरिजन है Nothing Phone 1 के साथ। इस फोन में जो आपको डिस्प्ले मिलता है ये है 120 हर्ट्ज का AMOLED, आउटडोर की जो विजिबिलिटी है ये काफी शानदार है। वैसे पोको और Xiaomi वाले डिस्प्ले में कोई भी कटौती आज की डेट में नहीं कर रहे। मैक्सिमम मार्केट में ऐसे फोन आ चुके हैं जहां पर 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले ही दिया जाता है। बॉक्सी वाला डिजाइन है, बैक में 64 MP का आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, साथ में अल्ट्रा वाइड वाला भी सेंसर है, स्नैपड्रैगन का 695 वाला प्रोसेसर है। पहले आपको कहा था ना इसी वीडियो में आप बहुत बार इस प्रोसेसर के बारे में सुनने वाले हैं। यहाँ पर जो बैटरी है वो तो यार 5000 mAh की है लेकिन जो चार्जर है वो है 67 वॉट का। मेरे हिसाब से आप पोको के X4 Pro में जा सकते हैं। बात करते हैं 4वें नंबर के फोन की, ये है Redmi का Note 12 5G। इस फोन का जो गिवअवे है वो मेरे चैनल पे अभी भी चल रहा है, ऊपर देखिए आई बटन में उस वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, फटाफट जाइए देख लीजिए और आपको पता चलेगा कैसे आपको गिवअवे जीतना है। देखिए इस फोन में भी आपको 5G वाला प्रोसेसर मिलता है, वो है स्नैपड्रैगन का 4 Gen 1। आपको याद है IQ का Z6 Lite, वहां पर भी सेम प्रोसेसर था। इस प्रोसेसर को आप कह सकते हैं बिल्कुल बराबरी का है स्नैपड्रैगन के 695 के, बहुत बड़ा वाला अंतर नहीं है। आप अपना दिमाग ज्यादा मत लगाइएगा, प्रोसेसर कमाल का है। आगे की तरफ जो आपको डिस्प्ले मिलता है ये है 120 हर्ट्ज का AMOLED,
बैक में जो डिजाइन है ये भी मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है। डिस्प्ले और डिजाइन में यार Xiaomi वाले काम कर रहे हैं। और जो चार्जर है वो है 33 वॉट का, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। बैक में जो कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल, साथ में अल्ट्रा वाइड वाला भी आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। MIUI अच्छा है, लेकिन अभी ये जो फोन बेस्ड है वो है Android 12 में। कुल मिला के देखा जाए आप जा सकते हैं Redmi के Note 12 5G की तरफ। आपके पास पैसा है अभी भी यार थोड़े से फोन बचे हैं जहां पर आपको चीजें कमाल की लग सकती है। बात करते हैं थर्ड नंबर के फोन की, ये है Infinix का Zero 5G 2023 Turbo Edition। देखिए इस प्राइस ब्रैकेट में इकलौता यही फोन है जहां पर आपको 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है, साथ में नया वाला प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 1080। ये जो प्रोसेसर है अंडर 30 के बहुत सारे फोनों में आ चुका है, जैसे Redmi का Note 12 Pro, साथ में Redmi के Note 12 Pro Plus में भी सेम प्रोसेसर चिपकाया गया है। आपको याद है Realme का 10 Pro Plus, वहां पर भी यही वाला प्रोसेसर है। मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है, ये प्रोसेसर सीधे सीधे टक्कर देता है Snapdragon के 778G को। देखिए आगे की तरफ आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता है, लेकिन 120 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले है ये आपको बिंदास लग सकता है, फुल HD प्लस वाला है। बैक की तरफ जो डिजाइन है लेदर फिनिश वाला, ये मुझे काफी प्रीमियम लगता है, आपके हाथ की उंगलियां नहीं छपेगी। और आप बिना बैक कवर के फोन यूज करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। बैक में जो कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, काश यार अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर होता तो मजा आ जाता। और Infinix वाले अपने सॉफ्टवेयर में और ध्यान दे दे, ये जो ब्रांड है ये लंबी रेस का घोड़ा है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यार ये रुक नहीं रहे हैं, बहुत सारे मार्केट में फोन इनके आते जा रहे हैं, चाहे वो सस्ते रेट में हो, चाहे वो महंगे प्राइस में हो, चाहे तो 4G वाले हो, चाहे वो 5G वाले हो। बात करते हैं नंबर दो फोन की, ये है Realme का Narzo 50 Pro। ये फोन नया वाला नहीं है, लेकिन बहुत बार यार ऑफर के टाइम 15,000 के आसपास का पड़ जाता है, लेकिन अभी इस फोन का जो प्राइस है अमेजोन में वो थोड़ा सा ज्यादा है, बट अंडर 20K है पक्का से। यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले मिलती है वो है 90 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ये आपको निराश नहीं करने वाली है। बैक में 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा विद अल्ट्रा वाइड सेंसर, साथ में जो प्रोसेसर है वो है 5G वाला MediaTek का Dimensity 920। मेरे हिसाब से आप Realme के Narzo 50 Pro में जा सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं नंबर 14 में, यहाँ पर है Moto का G82। इस फोन में आगे की तरफ 120 हर्ट्ज का OLED डिस्प्ले मिल रहा है, बहुत ही कम बेजल्स है, क्या मस्त डिजाइन है, हल्का फुल्का वाला फोन है, वही Snapdragon का 695 वाला प्रोसेसर है। यहाँ पर भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन जो चार्जर है वो है 30 वॉट का, एक भी इधर उधर वाली एप्लीकेशन नहीं है। मैंने आपको 7 फोन बता दिए, अभी भी आपके दिमाग में कोई और फोन हो आप चाहते हैं उसे हमारी लिस्ट में होना चाहिए नीचे यार कमेंट करके बताइए। और जाते आते यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।